प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज कृतज्ञ राष्ट्र देश की दो महान विभूतियों को याद कर रहा है। 25 दिसंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में इसलिए याद की जाती है क्योंकि आज देश की दो महान विभूतियां एक साथ जन्मी थी। आज जन्म जयंती है। इसमें भीतर जाने के लिए एक बड़ा द्वार है, इसमें अनेक स्थानों में पवन और प्रकाश के लिए खिड़कियां और झरोखे हैं। भीतर बड़े बड़े खंभे और तालान है, धूप और पानी के रोकने के लिए छत्ते और छज्जे बने हुए हैं। तालान तालान में खोटली खोटली में भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्य को सुख पहुँचाने का प्रबंध किया गया है। घर के भीतर से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई है। ऐसे विचार से घर बनाया गया है कि रहने वालों को सब ऋतु में सुख देवे। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था या है, और वो ज्ञानवान विचारवान पुरुष है। अब हम अपने शरीर की ओर देखें। हमारे शरीर में भोजन करने के लिए मुंह बना है, भोजन छापने के लिए दांत, भोजन को पेट में पहुंचाने के लिए गले में नाली बनी है, उसी के पास पवन के मार्ग के लिए दूसरी नाली बनी है, भोजन को रखने के लिए उधर में स्थान बना है, भोजन पचकर उधर का रूप धारण करता है और वो हृदय में जाकर इकट्ठा होता है और वहाँ से सिर से पैर तक सब नसों में पहुंचकर मनुष्य के संपूर्ण अंग को शक्ति सुख और शोभा पहुंचाता है। भोजन का जो अंग शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उसके मल होकर बाहर जाने के लिए एक मार्ग बना हुआ। तो संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ तमाम केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। और अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सार गर्भित था, विस्तृत था, शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में जूझने की आवश्यकता है। 50 साल बीत गए, वक्त जाते देर नहीं लगता है। आधी सदी गुजर गई लेकिन आधी सदी हमारे सामने है, नई शताब्दी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, नया युग आने वाला है और हम जब 50 साल का लेखा जोखा लेने के लिए बैठे हैं, स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान इस बात की ओर जाए कि आखिर
हमने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उन सब के बावजूद देश अपने सारे सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सका है। आज जब हम स्वाधीनता को शाश्वत और अमर बनाने का संकल्प ले रहे हैं, ये प्रश्न उठता है हमारे मनों में, बार बार गूंजता है।